ये है डीजे कंट्रोल सर्किट। आज हम डीजे का एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। डीजे किस प्रकार से क्लोज होता है, डीजे है क्या, लोगों की छत पर लगा हुआ एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर है जो ओएचई की सप्लाई को ट्रांसफार्मर में देने और काटने का काम करता है। अब डीजे क्लोज कैसे होता है, इसका एनिमेटेड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचबीए को 0 से 1 पे करते हैं। हम 0 से 1 पे करते हैं जैसे ही एचबीए को, बैटरी का 110 वोल्ट का करंट, एडिशनल सीसीबीए फ्यूज 35 एम्पियर का है, यदि सही है तो आगे आएगा, और यहाँ पर सीसीबीए फ्यूज जो कि 35 एम्पियर का है वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अगला फ्यूज आता है सीसीपीटी 10 एम्पियर या 16 एम्पियर का आपको मिलेगा, 10 या 16 एम्पियर का, यदि सही है तो पॉजिटिव सिरा चार्ज होता है और साथ ही साथ में नेगेटिव सिरा भी चार्ज हो जाता है। सबसे पहली ब्रांच आती है देखो Q44 की, Q44 की ब्रांच पे 2 रिले लगी हुई है, Q30 जिसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है और Q45 उसका भी नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। जब तक ये रिले एनर्जाइज नहीं होंगे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक से करंट आगे पास नहीं हो सकता है। बैटरी का 110 वोल्ट का करंट आगे बढ़ता है और सबसे पहले आता है Q30 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक पे, ये नॉर्मली ओपन है इसलिए यहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बैटरी का 110 वोल्ट का करंट आता है Q45 पर, यहाँ पे देखेंगे आप ये भी नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, यहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ सकता है। अगली ब्रांच Q45 की, यहाँ पे देखिए आप CCDJ 6 एम्पियर के फ्यूज लगा हुआ है, सही है तो BP1DJ पे करंट आएगा और BP1DJ से जाएगा BLDJ पे, PLDJ1 अभी हमने क्लोज नहीं किया है, यहाँ से भी करंट आगे नहीं बढ़ सकता है बैटरी का। और दूसरी तरफ BLDJ2 पे जाता है, BLDJ2 भी अभी हमने क्लोज नहीं किया है तो यहाँ से भी करंट आगे नहीं बढ़ सकता है। अगली ब्रांच आती है Q118। Q118 की ब्रांच में आप देखेंगे C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से जब तक कि वो कॉन्टैक्ट रिले पिकअप नहीं होगा वहाँ से वो करंट जा सकता है। तो C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है, यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा और बैटरी का 110 वोल्ट का करंट जैसे ही 105, 106, 107 तीनों के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगे हैं और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से तो करंट जा सकता है जब तक वो एनर्जाइज नहीं होगा, अभी एनर्जाइज नहीं हुए हैं। तो 105, 106 और 107 के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से बैटरी का 110 वोल्ट का करंट आगे बढ़ता है और इससे आगे आप देखेंगे QSL1, QSL2, QPS, QCBR चारों जो कि डायरेक्ट चलने वाले ऑक्सिलरी हैं इनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगे हुए हैं, यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता है। इसी को बाईपास करने के लिए Q44 का नॉर्मली क्लोज कैम इंटरलॉक यहाँ पे लगाया गया है। Q44 के नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से करंट आगे बढ़ता है और अगली आप देखेंगे Q46 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है, यदि किसी कारण से GR किसी नॉच में फंस जाता है, MP0 पर और GR किसी नॉच में फंस गया तो Q46 एनर्जाइज होकर और यहाँ से अपना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक हटा लेगी और बैटरी के करंट को ब्रेक करके रखेगी और Q118 एनर्जाइज नहीं होगा। तो GR की सुरक्षा के लिए Q46 को यहाँ पे लगाया गया है। Q46 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा और अगला आप देखेंगे 105, 106, 107 के यहाँ पे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ स्विच है जो कि नॉर्मल है अभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे GR0, 0 to 5 का यहाँ पे कैम इंटरलॉक लगा हुआ है, GR0 पे होगा तो उसके द्वारा ये करंट यहाँ से बाईपास होके जाएगा, GR0 कैम इंटरलॉक से करंट पास होगा आगे और करंट आएगा Q118। सबसे पहली रिले जो एनर्जाइज होगी हमारी डीजे क्लोज करते समय वो होगी Q118। Q118 जैसे ही यहाँ पे एनर्जाइज होती है और देखिए Q118 का एक नॉर्मली ओपन कैम इंटरलॉक लगा हुआ है Q44 की ब्रांच में ऊपर, वो भी वहाँ पे क्लोज हो जाएगा साथ ही साथ में। अब हम करेंगे BLDJ क्लोज, ZBT हम 1-2 पे ऑलरेडी रखते हैं, 1 या 2 पे। BLRDJ जैसे ही प्रेस करेंगे बैटरी का 110 वोल्ट का करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा और सबसे पहले करंट जाएगा क्यू
44 पर, क्यों 44 अभी एनर्जाइज नहीं हुई है तो इसका यहाँ पे नॉर्मली के ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है, करंट आगे यहाँ से नहीं बढ़ेगा तो करंट दूसरा रास्ता देखता है Q45 पे जैसे ही आता है यहाँ पे देखिए GR0 का एक एम इंटरलॉक लगा हुआ है और Q45 का काम है जब GR0 पे होगा तभी यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा, यदि GR0 पे नहीं होगा तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा और Q45 की को जाने वाली बैटरी करंट को ब्रेक करेगा। तो अभी GR0 पे है, Q45 पे बैटरी का 110 वोल्ट का करंट आ चुका है, Q45 यहाँ पे एनर्जाइज होती है ऐसे ही देखिए Q44 की ब्रांच के ऊपर, Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो क्लोज हो जाएगा वो, और साथ ही साथ में आप एक देखेंगे C118 की ब्रांच पे भी लगा हुआ है Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, वो भी एनर्जाइज होके और क्लोज हो जाएगा। बैटरी का वोल्टेज Q44 की ब्रांच में जो नॉर्मली ओपन लगा हुआ था Q45 का वो एनर्जाइज हो चुकी है तो क्लोज हो गया, वहाँ से आगे बढ़ेगा करंट। और देखिए अब आता है Q118 जो कि 45 की ब्रांच पे Q45 की ब्रांच में लगा हुआ था जबकि 118 एनर्जाइज हुई थी उसी समय ये क्लोज हो गया था, यहाँ से करंट आगे बढ़ता है। और GR का यहाँ पे फुल नॉच प्रोटेक्शन केम इंटरलॉक लगा हुआ है, यदि GR किसी हाफ नॉच पे फंसा हुआ है तो उसको विरोध कार्य करता है और यहाँ से यदि GR हाफ नॉच पे होगा तो करंट को ब्रेक करके रखेगा, लेकिन GR अभी 0 पे है तो Q44 तक बैटरी का करंट पहुँच चुका है। Q44 देखिए एनर्जाइज होगी, यहाँ पे जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये दो चीज़ें और स्पेक्टेट करेगी, देखिए एक Q118 की ब्रांच में नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा था वो खुलेगा और करंट को ब्रेक करेगा, बैटरी करंट को वहाँ से ब्रेक करेगा, लेकिन Q118 डीएनर्जाइज नहीं होती है उस समय क्योंकि इसमें एक टाइम लैग लगा हुआ है 0.5 सेकंड का। और आप देखेंगे साथ ही साथ Q44 का MTDJ की ब्रांच में जो ऊपर इंटरलॉक लगा हुआ था नॉर्मली ओपन वो क्लोज हो चुका है, वहाँ से करंट आगे बढ़ता है। सेफ्टी रिले QLA QOA QLM QOP1 QOP2 QRSI 1-2 से करंट पास होता हुआ, यदि नॉर्मल हैं सभी रिले तो करंट आगे पास होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे C118 DJ भी क्लोज नहीं है, C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है, C118 कॉन्टैक्टर भी क्लोज नहीं हुआ है तो करंट यहां पे रुका रहेगा बैटरी का। Q45 ऑलरेडी एनर्जाइज है, QCVR का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, यहां से भी करंट आगे बढ़ेगा और C118 कॉन्टैक्टर पे जैसे ही आएगा C118 एनर्जाइज होगा, इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी और C118 क्लोज होगा। C118 जैसे ही क्लोज होगा MTDJ की ब्रांच में आप देखेंगे C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक था वो भी क्लोज होगा, बैटरी का 110 वोल्ट का करंट वहां से आगे बढ़ेगा साथ ही साथ में। और आप देखेंगे Q118 की ब्रांच पे C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा था वो वहां खुल जाएगा और बैटरी के करंट को ब्रेक करेगा, परंतु Q118 एनर्जाइज नहीं होगी यहां पे क्योंकि 0.5 सेकंड का टाइम लैग लगा हुआ है। अब MTDJ की ब्रांच पे जैसे ही करंट आगे बढ़ता है बैटरी का C118 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक से जो कि अब क्लोज हो चुका है वो MTDJ की ब्रांच पे आएगा करंट, क्योंकि DJ होता हुआ MTDJ की ब्रांच जैसे एनर्जाइज होगी DJ हो जाएगा क्लोज, देखिए DJ हो चुका है क्लोज, DJ क्लोज जैसे DJ क्लोज होगा तो हमें OHE मिल जाएगी, OHE मिलते ही Q30 अपना काम चालू कर देती है, Q30 एनर्जाइज हो जाती है। Q30 होता हुआ GR0 पे है हमारा, GR0 का केम इंटरलॉक लगा हुआ है, करंट आता है इसके थ्रू और जब तक हम GLR DJ को प्रेस रखेंगे Q45 भी एनर्जाइज रहेगी। आर्नो जैसे ही पिकअप होगा QCVR एनर्जाइज होगा और C118 डी एनर्जाइज हो जाएगा, देखिए आर्नो पिकअप हुआ QCVR एनर्जाइज हुई और QCVR एनर्जाइज होती है उसने नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक उसका खुल जाता है और यहाँ से C118 की ब्रांच का करंट ब्रेक हो जाता है क्योंकि C118 आर्नो का स्टार्टिंग फेज भी देता है ना तो उसको भी हटाना है, अभी तीसरा फेज देता है उसको भी हटाना है तो उसी के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए QCVR एनर्जाइज हुई और
जैसे ही C118 डीएनर्जाइज होता है, ऐसे ही देखिए Q118 की ब्रांच में C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ था, वो फिर से क्लोज होता है और करंट फिर से पास होता है वहाँ पे 105, 106, 107 होता हुआ। QCVL12 चल चुके हैं, R0 पिकअप हो गया, ये डायरेक्ट चलने वाली ऑक्सिलरी है, ये यहाँ से अपना पिकअप ले लेती हैं। अब देखिए QVSL1, QVSL2, QPH, QCVR एनर्जाइज हो चुके हैं, तो करंट यहाँ के पास होगा। पाँच सेकंड का टाइम लैग लगा हुआ था Q118 पे, वो लगातार एनर्जाइज बनी रहती है और तब तक R9 पिकअप ले लेता है, तो फिर से वो एनर्जाइज बनी रहेगी इस प्रकार से। BLDJ को हमने छोड़ दिया, BLDJ को जैसे छोड़ेंगे देखिए Q45 डी एनर्जाइज हो जाएगी और Q45 की ब्रांच से करंट ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों DJ हो चुका है क्लोज, अब हम लोकोमोटिव को चलाने की तैयारी करेंगे। लोकोमोटिव को चलाने के लिए सबसे पहले हम BLBMT को क्लोज करते हैं और जैसे ही BLBMT को क्लोज करेंगे 105 देखिए 0GR25 का जो केम इंटरलॉक लगा है उसी के पास में 105 67 के नॉर्मली ओपन इंटरलॉक थे। जैसे BLBMT क्लोज करेंगे ये भी क्लोज हो जाएंगे 105 67 और करंट यहाँ से बहने लगेगा और साथ ही साथ में इससे संबंधित रिले QVMT1, QVMT2, QVRH भी पिकअप हो जाएंगी और उनके थ्रू करंट पास होगा, इनको इंटरलॉक से अब करंट पास होगा। एक नोच, अब हम गाड़ी चलाएंगे, एक नोच जैसे ही लेंगे Q44 की ब्रांच में ऊपर आपने देखा Q30 के नीचे ZR0 का एक केम इंटरलॉक लगा था, ZR0 से जैसे ही एक नोच पे आएगा तो ये यहाँ से खुल जाएगा, QSI1, QSI2 के थ्रू करंट पास होगा और इस प्रकार से जैसे ही हम छठा नॉच लेंगे Q118 की ब्रांच पे 025 GR का केम इंटरलॉक लगा था वो खुल जाएगा और करंट बना रहेगा 105, 106, 107 के थ्रू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम DJ कंट्रोल सर्किट का एनिमेशन वीडियो देख रहे थे। इस प्रकार से ये DJ क्लोज होता है और इस प्रकार से नॉच लेता है। हम इससे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो।